मौजों को किनारे तुम देते हो, जहां पर के जीवन को जिंदगानी तुम देते हो। चुनौतियों को पीछे छोड़ आए हैं, चुनौतियों को पीछे छोड़ आए हैं, ते दौर को साथ आए हैं। देखो देखो आज कितने सितारे खुद जमीन पर उतर आए हैं, खुद जमीन पर उतर आए हैं। मिलकर इस स्लोगन को नाम दिया है जय। सच तो यह है कि हिंदुस्तान के खेल जगत को जय हो का संकल्प खेलों की दुनिया में सबसे पहले मेजर ध्यानचंद ने। इसीलिए जब ये बात चली कि अब खेलों की दुनिया के सिकंदर भी भारत रत्न पुरस्कार के हकदार बन जाएंगे, तो सबसे पहले सभी के जेब में मेजर ध्यानचंद का नाम आया। क्योंकि हिंदुस्तान में भारत रत्न उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भारत की गरिमा बढ़ाई हो, भारत के वर्चस्व को चांचा लगाए हो, अपनी मेहनत त्याग से एक विशेष फील्ड में अपना विशेष योगदान दिया हो, मात्र ऐसा हो ना सके। उनकी दावेदारी दरकिनार हो गई पूर्व प्रधानमंत्री जी की सिफारिश पे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे दिया गया, उन्हीं के नाम पर मोहर लग गई। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सम्मान का राजनीतिकरण हो गया। ये पाया गया कि इस बड़े सम्मान का फैसला भी सियासी दबाव में होता है। लोगों की भावनाएं आती, लोगों को अच्छा नहीं लगता। मेजर ध्यानचंद वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को शोहरत प्रदान करी और उनका नाम ऊंचा किया पूरे विश्व में। आखिर मेजर ध्यानचंद की गलती क्या थी? क्या मेजर ध्यानचंद की गलती यह थी कि उन्होंने हॉकी स्टिक की जगह बल्ले को था? क्या मेजर ध्यानचंद की गलती गुनाह यह था कि वो एक छोटे गरीब परिवार में पैदा हुए? क्या मेजर ध्यानचंद का गुनाह यह था कि वो आज के जमाने में पैदा नहीं हुआ? आखिर क्या था मेजर ध्यानचंद का गुनाह? सच तो यह है कि सरकार के पास क्लैरिटी ऑफ क्राइटेरिया है। शर्म की बात है कि सरकार मेजर ध्यानचंद को दरकिनार कर सचिन तेंदुलकर को एक उपहार के रूप में ये सम्मान देती है। इट हैज नॉट बिकम ए गिफ्ट। ये बहुत दिलों को आहत करने वाली बात है। सरकार के पास कोई तो क्रिटेरिया हो अगर खेलों की दुनिया में इस काम को, इस सम्मान को हमें जारी करना है। भूख हड़ताल हुई, रैली हुई और लोगों ने आवाज उठाई और ये मन में आता गया कि जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, वो कहाँ है। तो सियासत का वो असर हुआ कि ध्यानचंद इस सम्मान से दरकिनार हो गए।